आसमानी रंग की पोशाक और अमेरिकी झंडे वाली ढाल लिए कैप्टन अमेरिका की मूवी शायद ही कोई थिएटर में जाकर देखना ना चाहता हो। अगर आप भी कैप्टन अमेरिका मूवी के फैन हैं, तो ये खबर आपके लिए है। अगर आप अपनी याददाश्त पर जोर डालें, तो कुछ साल पहले जब कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर की फिल्म आई थी, लोगों ने इसे बड़े चाव से देखा और मूवी को काफी ज्यादा पसंद भी किया था। पूरी दुनिया में मूवी की चर्चा हो रही थी। लेकिन अगर हम आपको बताएं कि इस चकाचौंध के उलट एक दुनिया ऐसी भी है जहां जेल की लोहे की सलाखों और चार दीवारी के अलावा कुछ और नहीं है, तो आप क्या कहेंगे? नाम मोली फिट्ज़रॉल्ड, उम्र 38 साल, जुर्माना 3,58,80,250 रुपए। इतनी बड़ी रकम शायद इस अभिनेत्री के लिए ज्यादा मायने ना रखती हो, लेकिन अगर आप जुर्माने के पीछे की वजह जान लेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। कैप्टन अमेरिका से मशहूर हुई इस अभिनेत्री पर आरोप है कि इसने अपनी मां को चाकू से एक नहीं अनेकों बार गोद कर मौत की नींद सुला दिया। पुलिस की मीडिया रिलीज की माने तो मोली ने 20 दिसंबर की दरमियानी रात बड़े ही शातिराना तरीके से अपनी मां को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस जब मौके वारदात पर पहुंची तो क्राइम सीन को देख अपने पैर पीछे ले लिए। किसी तरह मोली की मां को पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें तुरंत ही मृत घोषित कर दिया गया। लेकिन यहां मां की हालत देख पुलिस को पहला शक बेटी पर ही गया और महज 10 से 12 दिनों के अंदर जांच पूरी कर पुलिस ने मोली को गिरफ्तार कर लिया। इस बात की पूरी जानकारी पुलिस ने अपनी एक प्रेस रिलीज के जरिए दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।